हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डेजी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल tikatarka.com में। और आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूं एक बहुत ही सिंपल स्वीट की रेसिपी, जिसे जी हां इसे मेवा पाक कहते हैं। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है। इसमें मैंने कुछ नट्स लिए हैं, ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ये देखिए, ग्रेटेड कोकोनट है, ये मार्केट में भी मिलता है, आप घर पे ऐसे आसानी से ग्रेट कर सकते हैं। ये कद्दू का सीड है जी हाँ, और ये है मखाना। इधर मैंने कूटे हुए बादाम लिए हैं, ये काजू लिया है, ये चीनी ली है। और इसमें बता दूँ, आप अपनी पसंद का कोई भी नट्स डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर, मेरे पास किशमिश नहीं था, मैंने नहीं लिया है। आप चाहे तो कोई भी ऐसी चीज़ इसके अंदर आप डाल सकते हैं जो नट्स आपका फेवरेट हो, और भी सीड्स डाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मैंने पैन गरम किया है, इसमें घी लिया है और मखाना भूनूंगी। याद रहे, मखाना बिल्कुल धीमे आँच पे भूनते हैं, नहीं तो ये जल जाएगा। तो सबसे पहले मैं मखाना भून के निकालूंगी। अब उसी पैन में मैं अपने कूटे हुए बादाम लूंगी। याद रखिए, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पहले क्या भूंजना हो और कितना टाइम। हम सारी चीज़ों को मिक्स करके नहीं भून सकते, क्योंकि बादाम थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। अब हल्का सा जब बादाम भूंज गया है, तो मैं इसके अंदर अपने कूटे हुए काजू डाल रही हूँ, क्योंकि काजू बहुत जल्दी जल जाता है। तो बिल्कुल धीमी आँच पे ही भूंजना है। और जब बादाम हो गया, बादाम को निकालने के जस्ट पहले मैंने काजू डाला और भून के निकल गया। ये देखिए, दोनों साथ में भूंज गया। अब मैं अपनी सीड्स को वैसे ही भूंज रही हूँ। उसके बाद मैं ग्रेटेड कोकोनट डालूंगी। याद रखिए, कोकोनट को ज़्यादा पकाने की वैसे ज़रूरत होती नहीं है। इसको इस तरह से आप लेके हल्का सा बस गर्म करना है, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। कोकोनट तो एनी वेज हम कच्चा भी खाते हैं, तो इस स्वीट में भी इसको कुछ पका के इसका अलग सा हमें वो नहीं करना, बस इसके साथ ही गर्म होके एक ये होता है कि अगर आप इसको थोड़ा फ्राई कर देते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है, फिर ये बाइंड हो सकता है। तो अब देखिए, इसी पैन में मैं अपना चीनी डालूंगी। थोड़ा सा पानी डाला, याद रखें चीनी का हाफ पानी डालते हैं हम। 2 कप चीनी है, 1 कप पानी डाला, इसको अच्छे से गाढ़ा किया। आप देख सकते हैं, जब एक तार की चाशनी बन जाती है, अच्छे से उबलने दें। जब चाशनी बन गई, तो अब इस चाशनी के अंदर हम अपने सारे भुने हुए नट्स डालेंगे। अच्छा, अब इसमें मैं नट्स के पहले कूटी हुई इलायची डालूंगी। यहाँ छोटी इलायची, आपको पता होगा स्वीट के अंदर छोटी इलायची का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैंने उसको भी चाशनी में ही डालकर थोड़ा पका लिया। और अब मैं अपने सारे नट्स मिक्स करने वाली हूँ। अब इसको तेज आंच पर ऐसे ही मिक्स करते रहें, पकाते रहें। देखिए, ये जो चाशनी है वो गाढ़ा होगा और ये सारे जो नट्स का मिक्सचर है उसको बाइंड करेगा। तो ये जब देखिए, अभी भी ये सॉफ्ट ही है, मगर जैसे ही ये सेट होगा, ठंडा होगा, ये बिल्कुल जम जाएगा, सेट हो जाएगा। तो इसको मैं एक प्लेट में निकालूंगी। मैंने प्लेट में थोड़ी सी घी की कोटिंग की है, हल्का सा, ताकि ये नीचे से चिपके ना। और इसके बाद आप इसको प्लेट में अच्छे से फैला लें, फैला के थोड़ा सा प्रेस करके, याद रहे थोड़ा प्रेस करके इसको हम फैलाने वाले हैं, ताकि अंदर जब इसको सेट होने के बाद हम काटेंगे तो टुकड़े इसके टूटे ना, नहीं तो ये ब्रिटल सा होगा। ये देखिए, ठंडा होने के बाद इसे आप आराम से काट सकते हैं। ये देखिए, अच्छे से पीसेस हमारे बर्फी की तरह निकल गई, और एक मज़ेदार सा, बहुत ही सिंपल, हेल्दी, टेस्टी और जल्दी से बन जाने वाला, घर में हमारे सारे जो नट्स होते हैं उन सब चीज़ों को मिला के बनने वाला एक बहुत ही मज़ेदार स्वीट है। आप किसी भी त्यौहार पर इसे बना सकते हैं, नॉर्मली भी बना के, अच्छा इसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं फ्रिज में, बहुत आसान है, ये ख़राब नहीं होता जल्दी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अगर आपकी कुछ ओपिनियन हो, आपके कुछ सजेशंस हो, तो ज़रूर लिखें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।